चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की एक बड़ी बैठक हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है हरियाणा निवास में। शिक्षा विभाग की ये महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें शिक्षा विभाग के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे और स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं पर समीक्षा इस बैठक में की गई है। शिक्षा मंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर लगातार शिक्षा में बदलाव के लिए, शिक्षा की बेहतरी के लिए प्रदेश में, ताकि शिक्षा का स्तर बेहतर हो, उसके लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और इसी बीच ये एक बड़ी बैठक हुई है, समीक्षा बैठक, इसमें तमाम विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। शिक्षा विभाग के तमाम आला अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। हरियाणा में 1 IAS और 3 HCS अधिकारियों के तबादले हुए। हरियाणा सरकार ने तबादले के आदेश जारी किए। आज हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और वोकेशनल टीचर और लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन और सारे शिक्षक संघ, इन चार जो थे ये सभी लोग आज मिलने के लिए आए थे। उनकी कुछ प्रॉब्लम थी, वैसे तो बड़ी विस्तार में, क्योंकि 30-30 पॉइंट एक एक के थे, तो उनको सारे पे विस्तार के साथ हमने चर्चा की। PM श्री स्कूल अब की बार 276 शुरू होंगे, तो हम उसमें लगे हैं कार्रवाई में, और मैं समझता हूँ कि इस साल में हम सारे के सारे स्कूल शुरू करें। देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 2030 तक हर एक पूरे देश में सभी को लागू करनी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसको 2025 तक ही लागू करेंगे। उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने शुरू कर दी, और हमें पूरी उम्मीद है कि